मैं कचरे का काम कर रहा था, यासी कूड़ा उठा रहा था बोरे के साथ, तो फिर वो ठेका असन ठेकेदार चला गया। अभी और ठेकेदार आया हुआ है, नवाज खान नाम है सर जी। छोटे छोटे बच्चे हैं, रोजे हैं, घर में रिजक का थोड़ा सा तंगी सी इस वक्त, पर 100 रुपये था वो पेट्रोल डाल के आया हूँ मोटरसाइकिल में। घर में चार हमारा अपना बच्चे है और दो बहनें हैं, एक माँ है और एक भाई है छोटा, पांच भाई है टोटल बकाया जो है ना। बीमार है, दिल का दौरा आ जाता है, तो इधर ये राशन जो दे रहा था मेरे से फोटो कापी ले गए, कह रहे आपको जो है ना बुलाएगा इधर, ये लुबेर में, लुबेर से आगे ये जिधर से पत्थर लेके आते हैं उसको क्या दरवाजा कहते, दरवाजे में तुमको जो है ना राशन दे देगा, उधर एक नाजिम के घर है। तो पर कल रात को उन्होंने आवाज़ मारा, ऐलान हो गया, कहते सुबह उधर पहुँचे आपको उधर से राशन दे देगा। जब मैं उधर चला गया, वो हमको कह रहा था तुम्हारा जो है ना इलेक्शन का, इलेक्शन का इधर जमा नहीं हुए वोट, तो आपको गांव से मिलेगा। तो फिर मुझे कह रहे इधर जो है ना आपके इलेक्शन भी जमा नहीं हुआ है और यूनियन काउंसिल से आपका नाम दर्ज नहीं हुआ है, इधर लिस्ट लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है, जब लिस्ट में तुम्हारा नाम आ जाएगा तो फिर जो है ना अभी तुम्हें इस राशन का हकदार नहीं है। तो सर जी फिर जो है ना मैं उधर से वापस आ गया हूँ, फिर ये मैसेज किया, ये इधर एक डॉक्टर साहब ने लिख के दिए है, कहते ये मैसेज करवाओ आपको 12,000 रुपये मिल जाएगा। तो ये मैसेज जब करवाया तो मैसेज के उन्होंने बोले तुम्हें दोबारा मैसेज कर देगा, अगर आप हकदार है तो आपको मिल जाएगा, अगर हकदार नहीं है तो फिर भी आपको जवाब दे जाएगा। तो सर जी फिर मैंने पता नहीं किया, हमें पढ़ा नहीं है मोबाइल के, समझ नहीं आते, मदद करो मेरे बच्चों का ख्याल करो।